नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम कर तमाम राज्यों में पैदल मार्च करेगी और बापू के नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगी। इसरो चीफ के सिवन ने चंद्रयान 2 को लेकर कहा है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ठीक से काम कर रहा है और सभी चीजें भली भांति कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर समिति विश्लेषण कर रही है कि किस कारण लैंडर से हमारा संपर्क टूटा था। और अब बारी आज के स्पॉन्सर न्यूज की। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं और क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए है बल्लेबाजी ऐप। इसमें क्रिकेट मैचेस में लीग ज्वाइन करके आप पैसा कमा सकते हैं। लीग ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी मैच सेलेक्ट करनी होगी और फिर कॉन्टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी टीम बनानी है। एक कैप्टन और वॉइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। इस ऐप में आपको मेगा लीग मिलती है जिसे आप सिर्फ 49 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं और लाखों में जीत सकते हैं। साथ ही एक 2 रुपए की लीग है जिसमें आप 25,000 रुपए तक जीत सकते हैं। आप इसमें कैश के साथ साथ फ्री कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात ये है कि इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर खुद युवराज सिंह हैं। इस ऐप को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके पर फ्रेंड 100 रुपए कमा सकते हैं और आप जीते हुए पैसे को इजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेट किस चीज का कर रहे हो? ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड दी ऐप नाउ। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है और इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला आने की भी उम्मीद है। इस बीच CJI रंजन गोगोई ने इस मामले पर 18 अक्टूबर तक दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें पूरी करने को कहा है। सुनवाई के लिए अब 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 4 हफ्ते के अंदर कोई फैसला लेना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ईडी ने आज हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसे के लेन देन की कड़ियों से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है। इसके साथ ही ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता DK शिव कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दरअसल कल उनकी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अब हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि शिव कुमार वर्तमान में ED की न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 16 अक्टूबर को यूपी और बिहार के 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने और लोगों को राहत देने के मकसद से उत्तर प्रदेश में रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 नवंबर को नवाबों के शहर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक स्कूल में ABVP अपनी एक शाखा खोलने जा रही है। इसके साथ ही यह NRC को लेकर घर घर जाकर प्रचार में उतरेगी। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी जिला सम्मेलन के बाद यह जानकारी ABVP के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र नाग ने दी है। आज पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की 200वीं जयंती के अवसर पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए कहा कि पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे और पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर को वास्तव में श्रद्धा सुमन अर्पित करना है तो हमें भारतीय संस्कृति के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखनी होगी। पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, जहां दिल्ली में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला
संदीप को भाजपा ज्वाइन कराएंगे। आपको बता दें कि संदीप सिंह ने साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल आज राजभवन पहुंची और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर विपक्ष की शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार की योजनाओं के खिलाफ जनता के बीच गलत प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता राजभवन जाकर विपक्ष की शिकायत कर रहे हों। बिहार के मधेपुरा जिले के सरकारी स्कूल के छात्र भी अब स्मार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां छात्रों को स्मार्ट बनाने के लिए अब छात्रों को स्मार्ट क्लास दी जाएगी। दरअसल बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उन्नयन कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लास का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जिले के करीब 122 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। भारत अब मोबाइल फोन हैंडसेट का निर्यातक बन गया है। दरअसल वित्त वर्ष 2019-20 में मोबाइल हैंडसेट का निर्यात 8 गुना बढ़ाकर 11,200 करोड़ रुपए मूल्य का हो गया है, जो कि भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेज़न ने अपना नया स्मार्ट होम डिवाइसेस लॉन्च किया है। आपको बता दें कि अमेज़न ने अपने इको होम डिवाइस के तीसरे जनरेशन समेत वायरलेस हेडफोन इको बड्स के साथ नेक्स्ट जनरेशन के इको सोज 8 को भी पेश किया है। एक रिसर्च में कहा गया है कि जिन स्टूडेंट के गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य अन्य की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है। वे परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास भी होते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप ने कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दरअसल आज खेले गए मुकाबले में कश्यप ने मलेशिया के डोरेन लियू को 21-17, 11-21, 21-12 से हराकर पुरुष सिंगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय सिनेमा के लेजेंड रहे देवानंद का आज 97वां जन्मदिन है। बॉलीवुड गाइड रहे हरे रामा हरे कृष्णा जॉनी मेरा नाम जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले देवानंद के जन्मदिन पर आज पूरा बॉलीवुड उन्हें याद कर रहा है और शुभकामनाएं दे रहा है। गौरतलब है कि देवानंद की फिल्मों का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और मेगा स्टार चिरंजीवी की अपकमिंग मूवी सेरा नरसिम्हा रेड्डी का दूसरा दमदार ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नरसिम्हा रेड्डी के गुरु के किरदार में नजर आएंगे और यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल ऑप्शन को भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।